देखिए, एक तरफ कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत सारी जिनकी डिमांड्स हैं, एक तरफ बच्चे हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं कि मुझे सिलेक्शन के लिए ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बस एक DPP का सलूशन और बेहतरीन हो जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक ऑफलाइन टेस्ट मिल जाए तो मेरा सिलेक्शन बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और एक तरफ मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं उनका सिलेक्शन बड़ा कठिन लगता है देखने में। पिछले हफ्ते मेरे पास एक लड़की आई, उसका नाम है ब्यूटी झा। ब्यूटी झा वैसे तो अभी दिल्ली में रहती हैं पर बिहार से यहाँ पे आई हुई हैं, बिहार से ही थी ये। पिछले हफ्ते वो लड़की आई थी ब्यूटी झा, उसके पापा मजदूर हैं और वो खुद क्लास 10th से ट्यूशन पढ़ा रही हैं, आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी घर पे, स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस आती थी, फिर बच्चों के घर जाती थी उनको ट्यूशन पढ़ाने। किसी ट्यूशन का उनको 500 रुपये मिलता था, किसी का 1000 रुपये मिलता था और घर के खर्चे चलाती थी। और उन हालातों में उन्होंने तैयारी की और वो सेलेक्ट हो गई। फिजिक्स वाला के ही बैच से पढ़ी थी और ऐसे बच्चे कहीं और से कैसे पढ़ेंगे, कैसे ही पढ़ेंगे, ये तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे बच्चों को क्योंकि साधन नहीं मिल पाते हैं। उस बच्चे की कहानी सुन के मुझे बड़ा दर्द होता है ऐसी कहानियाँ सुन के कि समाज में ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे लड़ झगड़ के ऊपर आते हैं, और बड़ा गर्व भी होता है कि यार भारत के खून में कुछ तो है, भारत के बच्चों में खून में कुछ तो है। हमारे देश के जो बच्चे हैं ना यार, वो बड़े ही सख्त हैं। हमें भी सख्त रहना है, पिघलना नहीं है। और जिस दिन भी अपनी ज़िंदगी बहुत ही कठिन लग रही हो, उस दिन आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं किसी का घर बन रहा होगा या मजदूर काम कर रहे होंगे। एक बार उनकी ज़िंदगी देख लीजिएगा जो सर के ऊपर ढेर सारे ईंटें लेके सीढ़ियों पे चढ़ते रहते हैं और जीवन और मौत से हमेशा खेलते रहते हैं। आपसे 7-8 घंटे की पढ़ाई नहीं हो रही, वो 12 घंटे की मजदूरी ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे वही कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ धूल मिट्टी होती है, उन्हीं हाथों से जाके अपना टिफिन खोलते हैं, वहीं से रोटी सब्जी उसी हालातों में खाते हैं और खाने के बाद फिर से लग जाते हैं अपने काम पे और रात तक ऐसे ही काम करते हैं ताकि उनको दिन के 300 रुपये मिल जाएं और ब्यूटी झा जैसी एक लड़की को वो पढ़ा सकें जो उनका नाम रोशन कर सके। कहने का मतलब है, एक बार अपने पिताजी की तरफ देखिए कि कैसे वो दफ्तर में जाके अपना काम करते हैं। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ हैं। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में